तरफ से आवक रुकी हुई है, सारे बिजनेस ठप हो गए, तो उनके लिए तो एक उनके लिए भी तो कोई सिंपैथी होनी चाहिए ना। देखिए मैंने कि भाई आपने खाना बंटवा दिया तो हो गया, ये तो बड़ा क्या कहते हैं एक दुख की बात है कि आप फैक्ट्री मालिक को मार रहे हो, फैक्ट्री में आग लगा रहे हो, तो ये तो बहुत ही बदतमीजी है। किसी ने भी अगर बिजनेस शुरू किया है जी, अपनी संपत्ति बेचकर, अपने जेवर गिरवी रखकर, अपनी प्रॉपर्टीज मॉर्गेज करके वो कोई व्यवस्था बनाता है और उससे सैकड़ों हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, उनके परिवार चलते हैं जी। तो हमने ऐसी व्यवस्था को बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए। जो लोग कर रहे हैं उनको क्या होना चाहिए, उनको तो FIR होनी चाहिए। देखिए उनको तो सख्त से सख्त, ये राजद्रोह है जी। किसी भी ऐसी संपत्ति को, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, जो एंटरप्राइज है, जैसे ये वृक्षधार फल को काटने का जो पाप होता है जी, वृक्षधार फल को काटना एक बहुत जघन्य अपराध माना जाता है जी, उसी के समान ये अपराध होना चाहिए। और इसमें तो ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उन पे रासुका लगना चाहिए। अभी मैंने सुना कुछ लोग बात कर रहे थे कि भाई हमारी फैक्ट्री शुरू कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा आप काम करो, उसमें कोरोना का ही प्रोडक्ट बनता है, तो दो चार मजदूर वहां चले गए काम करने, तो बाकियों ने बोला कि भाई तुम क्यों यहाँ काम करने जा रहे हो जहाँ हमें मुफ्त में ही सैलरी मिल रही है। तो ये भी सोच बहुत ही घृणित है और ऐसी बातें सुन के काफी दुख भी होता है। देखिए क्या होता है, दरअसल हमारे जो राजनेता हैं जी, वो प्रैक्टिकल सेंस में तो रहते नहीं है। मैक्सिमम लोग चोरी चकारी करके, दलाली करके पैसे इकट्ठे करते हैं जी, उनका कोई एंटरप्राइज तो होता नहीं है। विदेशों में प्रॉपर्टीज कहां से आ जाती हैं, इतनी उनकी संपत्तियां कहां से बढ़ती हैं, क्या उनके पास कोई फैक्ट्री है, क्या दुकान है, तो उनको तो स्टेटमेंट्स देने में कुछ उनका बिगड़ता है नहीं, लेकिन उस स्टेटमेंट का इम्पैक्ट लोगों पे क्या पड़ता है, इसको समझने की जरूरत है। और लोगों ने ये समझना चाहिए ये व्यक्ति, ये अमुक व्यक्ति या ये पार्टी या ये व्यवस्था क्यों ऐसा स्टेटमेंट दे रहे। कभी भी हमें कोई भी ऐसी व्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए जिससे कि हमें इनकम होती है। सरकारी संपत्तियों के लिए तो बना हुआ है, लेकिन फिर भी अभी हमने देखा दिल्ली में बहुत सारे लोगों ने सरकारी बसें जलाना, ये करना, पता नहीं दिल्ली का तो बहुत नुकसान हुआ है, क्या हुआ नहीं हुआ। ऐसे केसेस में जो उकसाने वाले लोग हैं उनको भी पकड़ना चाहिए, उन्हें ही पहले, सबसे पहले उन्हीं को पकड़ना चाहिए। नहीं, जो कर रहे हैं उनको भी पकड़ना चाहिए। जो कर रहे हैं वो तो उकसाने वाला तो मेल बराबर का हो गया ना, तो उकसाने वाला बच जाता है। जैसे उकसाया गया, नहीं सड़कों पे आना है हमको, अरे भाई आप सड़क पे क्यों आ रहे हो, आप क्या बात है, ठीक है, आपके पास और भी फोरम्स हैं इन चीजों को करने के लिए। तो ये देश में जो अराजकता फैलाई जा रही है या जो फैल रही है, इससे हमें सबको संभल कर चलने की जरूरत। समानता का अधिकार, हमारी मांगे, लोग ये इस चक्कर में शोर मचा रहे होते हैं। समानता का अधिकार, आप अपने घर अभी पहुंच जाना, अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने की कोशिश करना, अभी समानता का अधिकार आपको पता चल जाएगा। सही बात है, अभी तो गांव में बहुत बड़ी समस्या आ रही है, पूरे हिंदुस्तान के हर जगह समस्या ही समस्या आने वाली है जी। और ये समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ संवेदनशीलता से बनेगा। एक दूसरे को समझने की जरूरत, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करने की जरूरत है। हमें समझना है कि भाई ये चीज है तो इसका क्या निवारण है, क्या कारण है। झगड़ा नहीं, किस लिए झगड़ा, क्योंकि इतने 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर चल चल के लोग पहुंच रहे हैं और वहां जाते ही अपने सगे संबंधियों से अपनी चीजों को वापस लेने के लिए झगड़ा करने वाले हैं, वो भी बड़ा दर्दनाक स्थिति होने वाली है। बिल्कुल एकदम। और क्योंकि 1000 आदमियों का गांव है और 5000 आदमी भी अगर पहुंच गया तो मुसीबत आने वाली है भाई। ना 5000 तो नहीं पहुंचे, खाने को नहीं था इसलिए तो वहां से निकले ना वो लोग काम करने के लिए। देखिए खाने को नहीं, हम जो है गांव में हम अपनी नासमझी के कारण निकले, दूसरा हमें एक मृग तृष्णा जो है हमें दिखाई, हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लें शहरों में जाके। और पैसा एक्चुअल में विदेशों में भी जो लोग जाते हैं बहुत कम लोग पैसा कमा के वापस आते हैं
जी कई लोग तो वहीं बस वहीं जाते हैं, ठीक है, उनके पास कोई कल्चर कोई सिस्टम कुछ बचता नहीं है। हमने तो बहुत सारी जगह देखा है, अपने परिवार में सुखी रहो, कंटेंट रहो। हमारी भारतीय सिस्टम इसको समझाता भी है अलग अलग दर्शन से, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं होते हैं। शायद करोना जो है उनको समझाने में कामयाब हो जाए। आपके क्या दिनचर्या चल रही है करोना में? मैं सुबह उठता हूँ जी, योग ध्यान करता हूँ जी, कुछ लिखा पढ़ी, लोगों से बातचीत करता हूँ। आपके जितने भी इंटरव्यू लिए हैं इस बार आपका वेट काफी कम दिख रहा है। पता नहीं वेट वेट तो देखा नहीं मैंने, चेक नहीं किया। तो फिर धीरे धीरे थोड़ा ऑफिस का कुछ अपना काम करते हैं जी, दोपहर में थोड़ा हल्का फुल्का भोजन कर लेते हैं जी। कुछ कोरोना से बचने के लिए भी विशेष कर रहे हैं? हाँ, मैं काढ़ा दो दिन में दो बार पीने की कोशिश। किस टाइप का काढ़ा है? बस सिंपल अपने जो मसाले होते हैं उसमें अदरक है, तुलसी है, काली मिर्च है, सब चीजें मिला के बन जाता है। अच्छा, तो दो बार उसको पीते हैं जी। दोपहर में हल्का भोजन खिचड़ी वगैरह सब खा लेते हैं। ओके। शाम को एक दो रोटी खा ली थोड़ा। तो अपना कम से कम दिन में इस समय थोड़ा रेस्ट का भी मिल जाता है, तो एक तरह से बड़ा अच्छा है कि कहीं भाग दौड़ ज्यादा नहीं है। अच्छा। और जिसको फोन भी करो तो वो भी कोशिश करके सोचता है कि ना मिलो, अपन भी कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है आगे मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी कोरोना कितने दिन चलेगा ये अभी आइडिया नहीं है जी। तो जब आइडिया नहीं तो कम से कम अपने आप को फिट कर लो जी। बिल्कुल। तो हम तो सबसे कहेंगे कि ये समय आप बिल्कुल चिंतन करिए, मनन करिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखो, अपने परिवार के बीच में बैठ करके एक दूसरे को मान सम्मान से बिना ईगो के बैठो, समझो। हमारे चैम्बर से जुड़े हुए काफी सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब हर प्रदेश में है, बहुत सारी अवॉर्डीज भी हैं और काफी लोग आपके साथ भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। मैं ये देख रही हूँ कि ये लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों के बहुत ही अच्छे अच्छे टैलेंट बाहर आ रहे हैं। नहीं देखो क्या है, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं था, कुछ लोग लाइव पे बात कर रहे होते हैं, कुछ कुछ नए नए टॉपिक पे कुछ चीजें बना के दिखा रहे होते हैं। अभी हमारी पद्मजा जी भी अक्सर आ रही है, बड़ा अच्छा बोल रही है, तो इस तरीके से काफी चीजें बाहर आ रही है। देखिए क्या है, ईश्वर ने हर मनुष्य को वही हाथ पैर, वही बुद्धि, वही विवेक सब दिया जी। हमें हमारी व्यवस्था ने, हमारे सिस्टम्स ने हमें स्वयं को समझने का समय नहीं दिया जी। बच्चा पैदा नहीं हुआ दो साल तीन साल में, स्कूल का चक्कर, फिर वो स्कूल बढ़ता 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 वजन, कॉलेज ये वो, फिर एक्सपेक्टेशंस, फॉल्स एक्सपेक्टेशंस, और उसी को चक्कर में माँ बाप बच्चों के चक्कर में खुद भी भूल जाते हैं कहाँ पे है, उसी की फीस, उसी का ये, उसी की जान पे। अरे भैया नॉर्मल चीजों में, और वो बच्चा वो टीवी देखता है, वो इंटरनेट देखता है, वो दूसरी तरफ भागने के चक्कर में, वो हकीकत से अलग भागे जा रहा है और आप भी उसके पीछे भागे जा रहे हो। जो माँ बाप का रोल है, जो टीचर्स का रोल है कि भैया आप उसका बढ़िया मार्गदर्शन करो, आप तो वो बच्चा आपको दौड़ाए जा रहे हैं और बच्चे को कोई और दौड़ाए जा रहा है। तो हमें जब कोई और बाहर से चलाने वाला हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी ना ये। जब हमारे अंदर स्वयं प्रभु बैठे हुए हैं, हर इंसान के अंदर बैठे हैं, तो उससे तो आप मिलते नहीं, उससे तो आप बात करते नहीं, उससे तो आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। बाहर का कोई आपको फोर्स टीवी पे इंटरनेट पे आपको उड़ाए जा रहा है जी। तो ये, और वो बच्चा आपका जो है उसके पीछे भाग रहा है। अब लाइव क्लासेस के चक्कर में अभी मैंने एक बड़ा अच्छा, हमारी अवॉर्डी है, वो कहते हैं कि आटा खरीदे लॉकडाउन में एक ही डाटा खरीदे, बड़ा कविताएं वगैरह लिखती रहती हैं। तो हंसी भी आ रही है, लेकिन लाइव क्लास हो रही है, केजी के बच्चों की लाइव क्लास हो रही है, छोटे छोटे बच्चों की लाइव क्लास हो रही है। केजी वेजी माँ बाप सबके पढ़े लिखे हैं मैक्सिमम जी, आप खुद अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हो? कहते हैं हमारे पास बच्चा बैठता नहीं है। नहीं बैठता क्योंकि आपने बिगाड़ रखा है ना जी। आप पहले तो उसको मोबाइल दे देते थे,
क्योंकि आपके पास टाइम नहीं था, आपने उसको बिगाड़ दिया। जी बिल्कुल सही। ठीक है, आपने उसको प्लेग्राउंड नहीं दिखाया। जी आपने उसको फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं की। जी तो अब वो गेम्स में लगा, वो उसमें लगा, तो उसको उसी से प्रेम मोहब्बत हो गई। अब जो है उसी के अंदर उसको क्लासेस मिल रही है, इसका फायदा मुसीबत हो गई। नुकसान कितना होगा इसमें आंखें, देखिए आप मोबाइल से, लैपटॉप से, इनसे आपके आंखों में, शरीर में कितना नुकसान होने वाला है इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। कितनी देर इन सब चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए जितनी आवश्यकता है बस, बस हम उसके अंदर बैठ करके एक एक, अब जैसे कोई व्हाट्सएप पे 5000 से ज्यादा मेरे फोन में लोग हैं, तो 5000 में से अगर 2-3 हजार लोग भी व्हाट्सएप भेज रहे हैं और मैं व्हाट्सएप पढ़ता रहूं सबके, और वो भी व्हाट्सएप बिल्कुल अननेसेसरी कई बार होते हैं। ये जैसे ग्रुप है उसमें कितने लोग होते हैं ग्रुप में? 256 लोगों का ग्रुप बनता है। अगर सबने गुड मॉर्निंग करनी चालू कर दी तो हो गया काम। हाँ। ऑथेंटिक काम ही नहीं करते लोग, तो इसीलिए उसमें से काम की चीजें आप निकाल लो। आप 15-20 मिनट सुबह देख लो, 15-20 मिनट देख लो शाम को, तो आपको आधा घंटा देख लो। देखिए अब तो एक ऑफिस आपका इसी पे आ गया है जी, तो इसको देख लो, लेकिन उसके साथ साथ आंखों को थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है थोड़ा। तो लॉकडाउन में आप फेस मास्क का यूज करते हैं? हाँ, ये मेरे पास गमछा है ना। आप अभी मुझे कुछ लेने भी हैं, मैं तो अलग अलग प्रदेशों से गमछे लेने वाला हूँ, क्योंकि अब ये मुझे अच्छा लगा है, बढ़िया है जी। तो यही आपका प्रोटेक्शन चल रहा है इस समय? बस बस ये हमारा। खाना पीना आपका बहुत कम, और गमछे से आप वो गमछा हमें अपने घर में जरूरत नहीं है। हाँ। बाहर वाला आता है तभी गमछे की जरूरत है, या हम कहीं नीचे उतरे तब। हाँ जी हाँ जी। तो काफी अच्छा आपके साथ बातचीत हुई है। अगला टॉपिक हमारा रहेगा कि जो भी क्या कहते हैं पंचायत के जो पंचायत प्रतिनिधि और ये सब है, वो किस तरीके से वर्क करें और क्या क्या अभी समस्याएं हैं। क्योंकि कोई हमारे कई बड़े नेताओं ने, प्रधानमंत्री ने, सब लोगों ने बोला कि केंद्र से 1 रुपया चलता है तो वहां 25 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन उनकी वर्किंग किस टाइप के लोगों की? हमने अभी पिछले दिनों 125 किलोमीटर के रेडियस में कई आईएएस ऑफिसर्स बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उन्होंने बोला कि लोग महिलाएं चुनाव में खड़ी होकर जीत जाती हैं और उन्हें पता नहीं होता कैसे। तो किस तरीके के लोग आए राजनीति में, कैसे पंचायत को मजबूत किया जाए, अगला टॉपिक आपके साथ वही रहेगा। ठीक है, थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छा समय दिया, धन्यवाद। ये है हमारे साथ डॉक्टर विजय तिवारी जी, इंडो यूरोपियन चैम्बर के प्रेसिडेंट, देश विदेश में कार्य करने वाले और 125 किलोमीटर के रेडियस पर के साथ साथ जितने भी भारत के प्रदेश हैं, सभी लोगों के साथ इनका कोरोना महामारी के बीच में लोगों को किस तरीके से गाइड कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी आपका, और जल्दी ही आपसे मिलते हैं।